हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आपके अपने किचन में। तो आज की हमारी कोई रेसिपी नहीं, एक प्यारा सब लोगों का सुनपुर मिला था जिसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा लगेगा, पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। अभी हम लोग पटना में रहते हैं, तो पटना से बस सोनपुर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ये प्यारे प्यारे से मोमेंट्स है रास्ते का जिसे कि मैंने कैप्चर किया है थोड़ा बहुत। तो फाइनली अब हम यहाँ पे सोनपुर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे गंडक नदी है, इसी में स्नान करके हरिहरनाथ की पूजा करते हैं। हरिहरनाथ को हरि और हर का यहाँ पे संगम होता है, इसीलिए हरिहरनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे नदी का प्यारा सा व्यू है। यहाँ पे हम लोग अब स्नान कर चुके हैं, उसके बाद अब हम लोग पूजा करने के लिए चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अगल बगल में प्यारी प्यारी से बहुत सी दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ पर कि आपको पूजा का सामान बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और ये मंदिर है, मंदिर का भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। तो ये बाहर से, और ये मंदिर का गर्भगृह था जिसे कि मैंने इससे पहले दिखाया था। और ये चारों तरफ मंदिर के सभी भगवान की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो ये आप मंदिर का पूरा व्यू हो गया। ये बाहर से भी है जो, और अंदर भी था और बाहर भी है। और ये बगल में ही वहाँ पे आपको राधा कृष्णा का भी मंदिर मिलेगा, तो वहाँ से पूजा करने के बाद लोग यहाँ भी पूजा करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी राधा कृष्ण की बहुत प्यारी सी मूर्ति हैं। और इसके साथ ही अब हम यहाँ से भी मंदिर से निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं। और ये आपको चारों तरफ बहुत ही प्यारी प्यारी दुकानें मिलेंगी। तो ये मंदिर से थोड़ी दूर जाने के बाद ये मेला का नज़ारा है, जहाँ पे कि आपको बहुत से दुकान मिलेंगे, बहुत से आपको सामान भी मिलेंगे। जो आपको लेना हो वो आप इजीली ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको यहाँ पे बहुत से वूलन कपड़े, स्वेटर, जैकेट जो भी लेना हो ना, बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। और ये मेला बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा दूर में ये लगा होता है। यहाँ पे आपको जितने भी पेट्स होते हैं सभी जानवर मिलेंगे, पशु पक्षी का भी अलग होता है मेला, वहाँ भी से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये लकड़ी का सामान और कुछ भी सामान है। ये बुक रखने वाला है, पूजा पाठ करते हैं जिसपे कि हम लोग रख के बुक पढ़ते हैं, उसे मैंने लिया है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ढेरों सामान मिल जाएंगे जिसे कि आप अपने डेली यूज़ में ला सकते हैं, डेली रोज़मर्रा के। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे आपको सेल भी मिलेंगे देखने के लिए, जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो ले सकते हैं। और ये मेला बहुत ही दूर तक लगा रहता है, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया में ये रहता है, कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा दूरी और जाइएगा, थोड़ा दूर जाने पे भी यहाँ पे थिएटर वगैरह भी रहता है बहुत सारा। और उसके बाद यहाँ पे एक प्यारा सा वैष्णो देवी का गुफा बना है, आर्टिफिशियल है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ी सी हरिहरनाथ के मंदिर से दूरी पर है, पर ये बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया है। एटलीस्ट आप उस पर जाएंगे तो लगेगा कि पहाड़ पर चढ़ते वैसे फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे हम लोग गुफा के पास आ चुके हैं। गुफा के जस्ट बाहर ये डिज्नीलैंड का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत तरह की झूले मिलेंगे और बहुत से खाने पीने की भी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। ये देखिए, गुफा के पास हम लोग जा रहे हैं, हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा। तो यही यहाँ पे ये प्यारा सा गुफा बनाया गया है इन लोगों ने आर्टिफिशियल, और बहुत ही अच्छा ये अंदर जाके आपको लगेगा। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे टिकट है पर मेंबर, ये यहाँ पे 50 रुपीज़ का टिकट लगता है। ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू है अंदर। अब हम लोग टिकट ले लिए हैं, अंदर जा रहे हैं। तो अंदर ये देखिए, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। मैं आपको थोड़े थोड़े मोमेंट्स को कैप्चर की हूँ जिसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे अपने स्लीपर नीचे उतार देते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ने का यहाँ पे ऐसा इन लोगों का बनाया हुआ है। ये देखिए, इसी तरह से हम उन लोग को जाना है। जाने का दूसरा रास्ता है और निकलने का दूसरा रास्ता बनाया गया, बिल्कुल चढ़ाई का एकदम। आपको लगेगा कि जैसे हम लोग वैष्णो देवी आते हैं तो चढ़ाई होती है ना, उसी टाइप का चढ़ाई, उसी तरफ से यहाँ पे सिंह को भी रखा गया है। और बिल्कुल इन लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया है जिसे कि आपको चढ़ के बहुत
ये अच्छा लगेगा। और थोड़े थोड़े दूर पे भगवान जी की मूर्तियाँ, ये देखिए यहाँ पे भी एक मूर्ति और बजरंग बली की मूर्ति को स्थापित किया है। और ये हल्का हल्का सा पानी यहाँ पे निकल रहा है झरने का टाइप का। और ये देखिए ये वैष्णो देवी की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है, स्थापित की हुई है। आप चढ़ते चढ़ते जब ऊपर जाएंगे तो सबसे लास्ट में, तो यहाँ परी चढ़ाई का जो है वो ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग उतरेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ मेले के झूलों को कैप्चर किया और फाइनली हम अपने घर को लौट रहे हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो